माउथ से तुम जो है मार्क्सिज्म जो है उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। उन्होंने चाइना के फ्रीडम के स्ट्रगल में भी जो है उन्होंने बहुत काम किया कि चाइना जो है वो भी फ्री हो। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द कोज ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना। वो चाहते थे कि चाइना में कम्युनिज्म हो। ही गेव सीरियस थॉट टू एशियन वर्जन ऑफ कम्युनिज्म एंड गॉट कंसिडरेबल सक्सेस इन दैट। He gave a new approach and outlook to the principle of Leninism and Stalinism in so far as China was concerned. उन्होंने जो लेनिज्म था जो स्टालिनिज्म था उनको नई अप्रोच दी, क्योंकि पहले जो है चाइना इनको ही मानता था, बाद में जो है माओ त्से-तुंग की जो कम्युनिज्म उन्होंने स्टार्ट की उसे मानने लगा। Maoism is considered as Chinese version of Marxism today. तो हम इसे Chinese version Marxism भी कह सकते हैं। तो इनके क्या क्या political ideas थे? According to Mao, Marxian philosophy was interpreted to suit Chinese conditions. वो चाहते थे कि वो मतलब कि मानते थे कि चाइना की जो सारी conditions हैं उनके लिए Marxian philosophy बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिज्म कुड नॉट फाइंड रूट्स इन द कंट्री। वो कहते हैं जो कम्युनिज्म है कम्युनिज्म इतनी कंट्री में जो है नहीं गवर्नमेंट उनकी अच्छे से चल रही। ही वॉज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ आइदर लेनिज्म और स्टालिनिज्म। ठीक है, वो किसी को वैसे ही अंधविश्वास पर अंधविश्वास नहीं करते थे। ही इंटरप्टेड कम्युनिज्म इन सच अ वे दैट इवन कम्युनिज्म ऑफ रशियन टाइप वॉज चैलेंज। तो उन्होंने कम्युनिज्म को चैलेंज किया था। He made communism a living philosophy. He exposed that in such a manner that the people began to consider him as a god. He was considered as the most progressive leader of the world. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा progressive leader थे, कई उन्हें भगवान की तरह ही मानने लग गए थे कि उन्होंने इतना जो है change किया rules regulations को, वो एक तरह के leader बन गए थे। ठीक है, सबसे पहला है रेवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने चेंज की थी पूरा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें चेंज करने के लिए जो है उन्होंने अपने न्यू व्यूज़ बनाई थी। माओ फेल्ट दैट आर्म्ड रेवोल्यूशन वाज एज नेसेसरी टुडे एज इट वाज व्हेन मार्क्स और लेनिन प्लीडेड फॉर इट। कहते आर्म्ड रेवोल्यूशन उतनी ही अब भी ज़रूरी है उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि जितना लेनिन और मार्क्स के टाइम पर था। According to Mao, the working classes were the backbone of all revolutionary activities. Mao कहते थे कि जो working classes हैं, जो काम करते हैं, वो main backbone हैं। उनके कारण ही जो revolution जो है वो होता है। Therefore, they should be well trained in guerrilla activities. The revolutionaries should create an atmosphere by which civil wars are encouraged. ठीक है, तो उन्हें ट्रेन करना चाहिए और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए ताकि जो सिविल वॉर्स हैं वो इनकरेज हों। दे शुड ट्राई टू डोमिनेट आफ्टर द सिविल वॉर हैड ब्रोकन आउट। नो रेवोल्यूशन कुड बी अ सक्सेस अनलेस एग्रीकल्चरिस्ट एंड कल्टीवेटर्स वर एसोसिएशन विद दैट। कहते हैं जब तक एग्रीकल्चरिस्ट और जो कल्टीवेटर्स हैं वो रेवोल्यूशन में नहीं आए, मतलब कि उन्होंने रेवोल्यूशन नहीं करने की सोची, तो तब तक जो है वो रेवोल्यूशन नहीं होगी। द लीडरशिप विल हाउएवर ऑलवेज वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वर्कर। वो कहते थे कि जो मेन रेवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, लीडरशिप वो किसके कौन होता है उनका लीडर? वर्कर्स। अनट्रेंड एंड ill equipped agriculturists will always need leadership, क्योंकि उनको लीडर चाहिए होता है। without leadership there could be no real revolution। अगर लीडरशिप ना हो, कोई लीडर ही ना हो, तो रेवोल्यूशन भी नहीं होगी। तो माओ जो था उनके एक लीडर की तरह था रेवोल्यूशन के लिए। He pronounced that every aggression on peasantry was an offense against revolution. He stressed the role of peasants in revolution. ठीक है, कि क्या रोल है पीजेंट्स के रेवोल्यूशन में, वो उन्होंने इस बारे में बताया था। फ्रेंड्स जो स्क्रूमैन है उन्होंने कहा, एज माओ त्से-तुंग सेड इन 1927 इन द हिल्स ऑफ ह्यूमन एंड रेवोल्यूशन इज नॉट अ डिनर पार्टी और राइटिंग एन एसे, बट लेट अस रिमेंबर दैट रेवोल्यूशन ग्रू आउट ऑफ चाइना सोइल
दैट 100 years ऑफ रेबेलियन एंड सप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशन. वो कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो एक डिनर पार्टी की तरह नहीं है और ना ही कोई ऐसे लिखने की तरह, ठीक है. वो क्या है? एक रेबेलियन है, वो सप्रेशन है. जो 100 साल से भी व्यक्ति को जो सप्रेस किया गया उनके लिए वो व्यक्ति जो है वो वॉयलेंट हो गए हैं, वॉयलेंस यूज़ कर रहे हैं ताकि रेवोल्यूशन हो. स्ट्रेस ऑन पीजेंट्री. मार्क्स, लेनिन एंड स्टालिन हैड लेड स्ट्रेस ऑन वर्किंग क्लासेस. इन्होंने जो है, मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, स्टालिन हो गए, उन्होंने वर्किंग क्लासेस पर जो है स्ट्रेस डाला था. बट माओ फेल्ट दैट द पीजेंट शुड बी एक्सेप्टेड एज द लीडर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. लेकिन माओ को लगता था कि जो पीजेंट्स हैं वो ही रेवोल्यूशन के लीडर हैं, क्योंकि वो बैकबोन है, वो रियल बैकबोन है. Mao said the gigantic struggles of the peasants uprising and wars alone form the real motive forced by historical development in China's feudal society. As this assessing the importance of peasantry in China, Sabine said whether Mao's stress on peasantry were hearsay or enlightened application of Marxist Leninist thought, it certainly had its roots in Chinese situation. वो कहते थे, जैसे कि सबाइन हो गया, वो कहते थे कि अगर हम कहें कि पीजेंट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं माओ, तो ये एक हेयर से है, क्योंकि उन्होंने जैसे मार्क्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है पीजेंट्स के बारे में ही बात की थी. जैसे रिच और पुअर हो गए उनके बारे में वो बात करते थे. लेनिज़म जो है वो भी इसके बारे में बात करते थे. वो कहते थे कि ये जो है एक हेयर से ही है. नेक्स्ट इज ऑपोजिशन टू कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म जैसे कि मार्क्सिज्म है, लेनिनिज्म है, वो भी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हैं कि कैपिटलिज्म नहीं होनी चाहिए. रिच और पुअर जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है उनमें, तो एंटी कैपिटलिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए. जैसे कि सिविल वॉर्स को, इसके कारण ही सिविल वॉर्स होती हैं या गुरिल्ला एक्टिविटीज़ होती हैं. तो इसीलिए जो है वो कैपिटलिज्म को एंड करना चाहते थे. स्ट्रेस ऑन विलेजेस. वो चाहते थे कि विलेजेस होने चाहिए, विलेजेस भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है मोस्टली विलेजेस में रहना होता है, सिटीज से कई बार आते हैं, ठीक है. तो ये जो है रेवोल्यूशनरी फोर्सेस कई बार कुछ वीक हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो विलेजेस हैं वो अच्छे मेंटेन होने चाहिए. मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरली रेवोल्यूशनरी इन, मतलब रेवोल्यूशन इनमें भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट की जानी चाहिए विलेजेस की भी. जैसी वेल्थ विलेजेस में सिटीज़ में होती है वैसे विलेजेस में भी प्रोवाइड की जानी चाहिए. तो इसीलिए जो है वो ये सब चाहते थे. नेक्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ पावर. माओ त्से-तुंग स्पॉटेड फिलॉसफी ऑफ पावर. एवरीबडीज थिंकिंग एंड अप्रोच कैन बी चेंज्ड बाय पॉलिटिकल पावर, देन पॉलिटिकल पावर इवन थ्रू पॉलिटिकल पावर इवन ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस कैन बी कंट्रोल्ड. अब पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पावर है तभी हर एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. इकोनॉमिक कंडीशन से ही हम किसी व्यक्ति की थिंकिंग और थिंकिंग जो है या किसी इंस्टीट्यूशन को मोल्ड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर्स भी होने चाहिए, मिलिट्री पावर्स भी होने चाहिए. आइडियाज़ जो हैं, आइडिया से ही सोसाइटी बनती है. मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. माओ ने खुद कहा है द वर्ल्ड कैन बी माउल्डेड ओनली विद द गन, ठीक है. गन से कहते हैं हम पूरे जो वर्ल्ड है उसे मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इसीलिए वो चाहते हैं कि पावर होनी चाहिए. सबाइन ने कहा है फ्यू पॉलिटिकल थिंकर्स एंड इंडीड फ्यू कम्युनिस्ट लीडर्स हैव एट्रीब्यूटेड सच ग्रेट सिग्निफिकेंस टू वॉर एंड टू मिलिट्री पावर, कि कई ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने मिलिट्री पावर पर या वॉर पर इतना स्ट्रेस दिया है कि वो जो मिलिट्री पावर है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम अपने जो है प्रोटेक्शन कर सकें. स्ट्रेस ऑन वॉर. माओ हैड नो लव फॉर पीस. अब जो माओ है उन्हें शांति से नहीं प्यार है, ठीक है. मतलब वो नहीं चाहते थे कि शांति रहे. पीस इज नथिंग एल्स बट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म. वो कहते थे कि जो पीस है वो क्या है, अगर हम कहें कि शांति से रहना तो वो कैपिटलिज्म सिस्टम जो है पुराने वाला वही रहेगा. और वो मानते थे कि जो युद्ध है, वॉर है, उससे ही जो कैपिटलिज्म है उसका एंड हो सकता है.
तो इसीलिए वो चाहते थे कि वार होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था रशियन रेवोल्यूशन के लिए, रेवोल्यूशन इन चाइना वॉज एकम्प्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर इज़ बाउंड टू एंड कैपिटलिज्म, और वो चाहते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होना चाहिए ताकि कैपिटलिज्म जो है उसका एंड हो सके, और इसीलिए वो चाहते थे कि वो, इसलिए हम कहते हैं कि जो माओ हैं वो पीस को इतना फेवर नहीं करते, वो जो वो चाहते हैं कि वॉर होनी चाहिए, न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। वो चाहते थे देयर इज़ नथिंग लाइक न्यूट्रल स्टेट, वो चाहते हैं कहते हैं कि न्यूट्रल स्टेट की तरह कुछ भी नहीं है, एवरी स्टेट इन द वर्ल्ड मस्ट फॉलो आइदर कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक पॉलिसी, कहते हैं कि हर एक जो स्टेट है वो कोई कैपिटलिस्टिक पॉलिसी फॉलो कर रहा है या कोई सोशलिस्टिक पॉलिसी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूट्रल स्टेट हो गई, ठीक है, थर्ड पॉलिसी ऐसी कोई है ही नहीं। नेक्स्ट इज द स्टेट, इन द फिलॉसफी ऑफ माओ स्टेट इज़ अ मीन्स एंड मेथड फॉर क्रशिंग वन ग्रुप बाय द अदर, वो जैसे उन्होंने माओ जो मार्क्स हैं माओ ने उनकी ही व्यूज़ ली हुई हैं कि कैपिटलिज्म है टू ग्रुप्स होते हैं, तो इसीलिए वो एंटी कम्युनिस्ट है, और इसलिए वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो क्या करती है, क्रश करती है, एक ग्रुप जो है वो दूसरे के ओपोनेंट है, वो दूसरे के बिलीव्स को क्रश करते हैं, ठीक है। वो जो वर्किंग क्लास हैं वो ज़्यादा क्रश होते हैं, इसीलिए वो वॉर चाहते थे। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी कल्ट, माओ बिलीव्ड इन पर्सनैलिटी कल्ट, ही बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ वन इंडिविजुअल हु शुड बी कंसिडर्ड अबव एवरीथिंग एल्स, हिज वर्ड्स शुड बी एक्सेप्टेड एज लॉ। In China, Mao had created this position for himself. His words were accepted fully well to China. He was worshipped as God. जो चाइना है उसमें माओ को भगवान की तरह जो है पूजा जाने लगा, क्योंकि सभी उनके जो व्यूज़ हैं सभी उनको मानने लगे। Due to personality cult, Mao's authority is not being questioned in China. ठीक है, इसीलिए उनके जो व्यूज़ हैं उन्हें कभी भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। Next is politicization of army. According to Mao, the army should be thoroughly politicized. It should be made to realize that they are defending a particular cause and they should serve the army. कि हमें आर्मी जो है उसकी भी सर्व करनी चाहिए, मतलब कि आर्मी होनी चाहिए तभी जो है हम डिवेलपमेंट कर पाएंगे। Next is the policy of fight and talk. माओ जो है उन्होंने रेवोल्यूशन जो है चाही थी कि चाइना में रेवोल्यूशन हो, इसीलिए वो द पॉलिसी ऑफ फाइट एंड टॉक को भी मानते हैं कि अगर कोई जो हमारी व्यूज़ ना माने तो हम उससे फाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम पहले बात करेंगे, अगर नहीं होगा तो फाइट करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है उसमें डोमिनेंट पोजिशन रही है वर्ल्ड में, और जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होती रहती है रिच और पुअर में, इसीलिए वो चाहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो एंड हो, इसीलिए चाहे फाइट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मीन वाल द टाइम गेंड इन टॉक्स शुड बी यूज फॉर मिलिट्री प्रेपरेशंस, और इसमें जो है मिलिट्री प्रेपरेशंस भी होने चाहिए, क्योंकि जो एनिमी है वो कभी भी अटैक भी कर सकता है, ठीक है। हमारी हम जो है इस टेरिटरीज शुड बी कैप्चर्ड एंड ही शुड बी फोर्स टू साइन, अगर हम उसकी जो टेरिटरीज हैं उनको भी कैप्चर कर सकते हैं और उसे फोर्स भी कर सकते हैं अपने टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि वो हमारी वो टर्म्स और कंडीशंस को माने, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स आफ्टर रेवोल्यूशन, और वो चाहते हैं कि रेवोल्यूशन हो, सबसे पहले रेवोल्यूशन को क्यों हो हमने ये जान लिया है, ठीक है, इसलिए जाते हैं बाद में कि वो अगर रेवोल्यूशन हो तो उसके बाद भी जो हमारी पॉलिटिक्स है उसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो, ठीक है। माओ हाउएवर इज क्वाइट एक्सप्लिसिट अबाउट एन ओपन एंडेड एवर कंटिन्यूइंग डायलेक्टिकल प्रोसेस, माओ एक्सप्लिसिट एडवोकेसी ऑफ अ मोर ओपन एंडेड एंड फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डायलेक्टिकल एलैबोरेटली इंटरट्वाइंड विद हिज प्रॉब्लम ऑफ अडॉप्टिंग अ वेस्टर्न थ्योरी द चाइनीज सिचुएशन, ठीक है। वो वेस्टर्न थ्योरीज जो है उन्हें मानना चाहते हैं चाइनीज सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ताकि रेवोल्यूशन हो और न्यू डेमोक्रेसी जो है वो बने। नेक्स्ट इज पीपल्स वॉर, अकॉर्डिंग टू माओ इम्पीरियलिज्म एंड फ्यूडलिज्म गो हैंड इन हैंड, माओ कहते हैं कि जो इम्पीरियलिज्म है और फ्यूडलिज्म है वो साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है। और वो उन्होंने चार ब्लॉक्स बनाए हैं माओ ने, वो कौन कौन से हैं, वर्कर्स, पीजेंट्स, पीटी बर्गेजेस,
ये इनके ब्लॉग्स हैं, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो होनी चाहिए, रेवोल्यूशन जो है वो रूरल एरियाज़ जो है उनसे स्टार्ट होनी चाहिए, फिर सिटीज़ में जानी चाहिए, और जो गुड लीडर है वही वो जो है ये काम अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये काम जो है वो सभी को मिलकर करना चाहिए। हाँ, उनका एक जो है लीडर हो सकता है, लेकिन जो रेवोल्यूशन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ परमानेंट रेवोल्यूशन। अब वो ये नहीं चाहते कि रेवोल्यूशन जो है वो टेम्प्रेरी हो, ठीक है। परमानेंट रेवोल्यूशन कैन कम ओनली दैट हैज़ रूट्स इन द मासेस, ठीक है। अगर सभी चाहेंगे तभी परमानेंट रेवोल्यूशन हो सकेगी, मेजॉरिटी चाहेगी, और मेजॉरिटी उनके अकॉर्डिंग पीजेंट्स हैं, वर्किंग क्लासेस हैं, ठीक है। माओ डिड नॉट एग्री विद मार्क्स दैट परमानेंट रेवोल्यूशन कुड बी ब्रॉट ओनली बाय वर्किंग क्लास। लेकिन माओ जो है वो ये एग्री नहीं करते कि वर्किंग क्लास ही कर सकती है। सच अ रेवोल्यूशन कुड बी ब्रॉट ओनली बाय वर्किंग क्लासेस इन एशियन पीजेंट्री, ठीक है। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि वर्किंग क्लास तो सिर्फ एशिया में ही ऐसी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अ परमानेंट रेवोल्यूशन वॉज पॉसिबल ओनली वेन ऑल क्लास स्ट्रगल एंड क्लास डिस्टिंक्शंस वर रिमूव्ड। और वो कहते हैं कि तभी परमानेंट रेवोल्यूशन होगी जब क्लास स्ट्रगल और क्लास डिस्टिंक्शंस जो हैं वो ख़त्म होगी। वैल्यू ऑफ नॉलेज। माओ जो है वो नॉलेज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि मैक्सिमम नॉलेज, जितनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनल पार्टिसिपेशन से ही होती है, एक्टिविटी में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तभी हमें उस चीज़ की नॉलेज होगी। इफ़ अ मैन वॉन्ट्स टू नो सर्टन थिंग्स और सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स डायरेक्टली, इट इज़ ओनली थ्रू पर्सनल पार्टिसिपेशन। वो कहते हैं कि अगर हम पर्सनली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तभी जो है हम नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल पार्टिसिपेशन से ही जो है हम पर्सनल चीज़ें या कोई चीज़ जो रियलिटी है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ 100 फ्लावर्स पॉलिसी। इट वॉज रॉन्ग टू थिंक दैट इन एनी सोसाइटी देयर शुड बी ओनली और आइडियोलॉजी ओनली वन स्टेट। माओ बिलीव दैट ईच थिंकिंग वॉज अ फ्लावर एंड इन चाइना लेट सच 100 फ्लावर्स ब्लूजम एंड ग्रो। और वो चाहते थे, वो कहते थे कि हर एक व्यक्ति जो है जो सोचता है उनके जो व्यूज़ हैं वो एक फ्लावर की तरह है, ठीक है। और सभी फ्लावर को ब्लूजम करना चाहिए, सभी जो है अपने व्यूज़ उन्हें बतानी चाहिए, सभी की व्यूज़ जो हैं क्योंकि उन्हें लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इसीलिए सभी जो फ्लावर्स हैं उन्हें ब्लूजम करने देना चाहिए। इट इज़ ओनली देन दैट द सोसाइटी विल कम टू नो विच आर रोटन एंड आउटडेटेड आइडियाज़ एंड दिस विच दैट विच आर फ्रेश एंड एक्सेप्टेबल आइडियाज़। तभी जो रोटन आइडियाज़ हैं या आउटडेट हो चुके हैं तभी हमें और न्यू आइडियाज़ जो हैं क्रिएट होंगे, बनेंगे, जब सभी जो हैं अपनी व्यूज़ बताएंगे। फ्लावर शुड नॉट बी यूज इन चेकिंग द आइडियाज़ एंड नॉट अलाउइंग द फ्लावर्स टू ब्लूजम एंड स्प्रेड देयर स्मेल। टेरर जो है, टेरर के कारण व्यक्ति जो है अपने व्यूज़ नहीं बता पाता डर की वजह से, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये माओ के व्यूज़ थे। होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद।